ज्यादा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है बेबी को अच्छी तरीके से जो है वॉश कर लेते हैं, उसके बाद पानी जो है सर पे रख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल और करम से हम भी ठीक हैं। जो मेरे बहन भाई दुख और तकलीफ़ में हैं, तो अल्लाह ताला उनकी दुख और तकलीफ़ को जो दूर करे, इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से आज की रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं तो बहुत ही मज़े की बनती है, और आप लोगों ने भी अपने घर में बनाई होगी लेकिन इस तरीके से नहीं बनाई होगी। तो आपने हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना है और चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो अभी मैं जो रेसिपी है वो बनाना शुरू कर रही हूँ। तो अभी कलेजों को मैंने जो है अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, अब इसको अंदर से जो इसकी सफाई है वो कर लेते हैं। छुरी जो है मैंने बहुत बड़ी वाली ली हुई है, आपको पता है इसी से मैं सारा काम करती हूँ। मक्खियाँ जो हैं वो भी शाम के टाइम ही आ जाती है, तो फिर इनको भी भगाना पड़ता है। तो अभी इसको अच्छी तरीके से जो है साफ़ कर लेते हैं, काट भी लेते हैं। तो आपने इनको साफ जो है ज़रूर करना है, इस पे जो थोड़ी बाती चर्बी होती है ना वो आपने साफ़ कर लेनी है। तो अभी मैं भी साफ कर लिया है। इसको फैट पे रख देते हैं, फिर इसको वॉश करते हैं कि उसको है फिर से साइड पे रख लेते हैं। अभी आग जलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग जो है जल्दी जल जाए, लकड़ी जो है मोटी वाली है ना, इस वजह से। आग मैंने जला ली है, अभी कलेजे को जो है छोटा छोटा जो है बारीक बारीक जो है इसको काट लेते हैं। इसको आपने बिल्कुल ऐसा काटनी है क्योंकि ये बहुत नरम होती है ना, फिर जो है ये वैसे छोटी हैं। तो बस माशाल्लाह से आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जो है कौन सी रेसिपी जो है बनाने जा रही हूँ। कुर्बानी आ रही है और कुर्बानी में जो है कलेजी जो है बहुत ही आम होती है, और बड़े जानवरों की तो माशाल्लाह से बड़े बड़े वो जैसे रोटी होती है इसी तरह के कलेजे होते हैं। तो मैंने कहा कि ये आज मैं ये रेसिपी जो है उन बहन भाइयों को जो है बताती चलूँ, और जब भी कुर्बानी का गोश्त आएगा तो वो बड़े जानवर की कलेजी होती है, तो उसको आप इस तरीके से जो है बनाकर घर में इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही मज़े की बनती है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ। तवा जो है मैंने पहले से वाश करके रखा हुआ था इधर,
तो माशाल्लाह से आज हम शाम के खाने में जो है तवा फ्राई कलेजी बना रहे हैं, और आपको पता है कि तंदूर भी हमारा साथ ही गर्म हो रहा है, और मौसम जो है मौसम भी ऊपर से बहुत प्यारा बना हुआ है, और हवाएं जो हैं बिल्कुल रुक गई हैं, इसलिए जो है मैं पंखा जो है चला रही हूँ। अभी घी जो है वो डालते हैं, घी जो है मैंने डाल लिया है। अभी हस्बे जायका जो है इसमें हम अपने हिसाब से जो है नमक डालेंगे, और ये हो गई काली मिर्च, इसका पाउडर बना हुआ है। ये हस्बे जायका आपने जो है नमक और काली मिर्च जो है डालनी है, तो हम तो अपने देहाती लोग हैं, मिर्च और नमक जो है थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, जो शहरी लोग होते हैं वो नमक जो है बिल्कुल कम खाते हैं, किसी को ब्लड प्रेशर कम मरीज़ होते हैं कोई नमक खानी भी नहीं होती, तो वह आपने जो अपने तरीके से जो है खाएंगे तो आपने उतनी ही डालनी है, तो बहुत ही मज़े की बनेगी। अभी इसमें हमने जो छोटी छोटी कलेजी की थी वो इसमें डुबोएंगे, तो माशाल्लाह से इसको आपने अच्छी तरीके से जो है के ऊपर लगाना है। जो तवा जो है हमारा गरम हो चुका है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा घी जो है वो डालेंगे, तो यकीन माने बहुत ही मज़े की बनती है, और अभी आग जो है बिल्कुल कम जल रही है, तो इसलिए तवा भी गरम नहीं हो रहा। घी जो है ज़्यादा गर्म हो चुका है, और अभी 5 मिनट हो गए हैं इसको भिगोए हुए, तो अभी इसको हम निकालते हैं। आपने भी ज़रूर जो है इसको 5 मिनट तक जो है भिगोना है घी में, तो में भी पानी होता है, ये कुछ हो जाएगा तो सब आप दोनों सेटों जो है इसकी तब्दील करी है, दूसरी सेट अभी मैंने भी की है, इसमें जो पानी होता है कलेजे में बिल्कुल खुश्क हो जाए तो फिर ऐसे समझ लेना जो है ये बिल्कुल जो है रेडी हो चुकी है। तो अभी देख सकते हैं आप, इसको आपने इसी तरह से जो है थोड़ा इसको जोर देना है ताकि इसमें जो भी पानी होना वह जल्दी जल्दी खुश्क हो जाए। अभी ये रेडी हो चुके हैं, तो अभी जल्दी जल्दी इसे जो है और डालते हैं, टेस्ट जो है बाद में करेंगे। अभी घी जो है ज़्यादा गर्म था तो मेरा लगता है हाथ जो है जल गया है, फिर भी मैं बना रही हूँ क्योंकि रेसिपी जो है हमारी अधूरी ना रह जाए। आग आपने धीमी धीमी जो है जलानी है ताकि ये जल ना जाए, और आप देख सकते हैं मैंने जो है इतनी सी आग जलाई हुई है। गैस पे तो वैसे ही ये फटाके जब मारते हैं तो आपने ख्याल करना है बस आपका ये कहीं हाथ ना जल जाए, मेरा ये देखो इधर जल गया है। तो बस माशाल्लाह से हमारी तवा फ्राई कलेजी जो है अभी तैयार हो चुकी है,
बाकी जो है थोड़ी सी बची हुई है वो भी मैं अभी इसको भी रेडी करती हूँ। और अभी सुबह से शायद गए हैं, पता नहीं, वो नज़र नहीं आ रहे, काम कर रहे होंगे शायद, जानवरों का जो है चारा वगैरह जो है वो काट रहे होंगे, तो अभी वो भी आने वाले हैं, उसको बुलाते हैं, टेस्ट करवाते हैं कि कैसी जो है आज हमारी तवा पर एक कलेजी जो है बनी हुई है। आओ आओ इधर आओ, आपके लिए मैंने आज रेसिपी, नई रेसिपी बनाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह, मौसम के लिहाज से हर चीज़ जो है इंसान को अच्छी लगती है। आज मौसम, तो मौसम आप देखें, ऊपर से कितने बादल छाए हुए हैं, और हमारा भी काफ़ी दिनों से पटाखे बहुत बड़े पटाखे बात आप ही परे हुए, हमारा भी काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था, साढ़े सियाणियों की मिसाल है, चीज़ थोड़ी खाओ पर हजार ही खाओ, तो थोड़ी बनाए लेकिन अच्छी चीज़ बननी चाहिए। और माशाल्लाह से बेगम ने तैयार कर लिया है, थोड़ा सा मुझे टेस्ट कराएंगी आप? कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से व्यूअर्स चेक करें, बीच में जो है ये बिल्कुल पक चुकी है, अभी टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरदस्त, मजा ही आ गया। माशाल्लाह से तवा फ्राई कलेजी जो है आपने ज़रूर कुर्बानी वाले दिन बनानी है, हमारे पास तो आज थोड़ी सी आई है और हमने बनाई है, तो आप लोगों ने ये भी इसका ये ज़रूर ध्यान करना है, ये फटाके बहुत ज़्यादा मारती है, इसमें पानी होता है ना। चले ये ले, आप बच्चों को बुला, उनको दे, मैंने टेस्ट कर लिया, ये ले आप और भी ले लें, नहीं बच्चे भी खा लें, बच्चों को भी दे, बस इकरा ज़ारा सदाफ को बुलाएं। माशाल्लाह से बच्चे भी सब आ गए हैं, और इकरा ज़ारा सदफ है, इकरा कहाँ गई है? आयत आयत भी है, वाना लगा हुआ। तो माशाल्लाह से तवा फ्राई जो हमारी कलेजी थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई है, अभी बच्चों को जो है टेस्ट करवाते हैं। ये लो इकरा सदा, आयत आयत भी खाएगी, ये लो, ये आयत को दो, आयत को।